सो गाइस यहाँ पे अपने पास है मीटियोर 350 का बेस मॉडल फायरबॉल मॉडल। आज जो इसका रिव्यू करेंगे, देखने वाले हैं क्या कुछ आपको इस बाइक में मिलता है, क्या ये वैल्यू फॉर मनी है या फिर नहीं है, एंड कौन सा मॉडल आपको लेना चाहिए। सो आज की वीडियो को एंड तक देख लेना ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल जाए। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो है अपन बात करेंगे फ्रंट से। फ्रंट में यदि मैं आऊँ सो यहाँ पे जो है आपको हेलोजन में हेडलाइट देखने को मिलेगी, लेकिन आपको जो है राउंड टाइप जो है यहाँ पे DRL मिल जाएगी चारों तरफ हेडलाइट के। यहाँ पे जो है आपको रॉयल एनफील्ड का लोगो देखने को मिलेगा इसकी हेडलाइट के ऊपर। इधर जो है आपको हेलोजन में इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि येलो कलर में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं। नीचे यदि बात करूँ फ्रंट में जो है आपको ABS मिल जाता है। इस बाइक में जो है आपको ड्यूअल चैनल ABS मिलता है। फ्रंट में डिस्क मिल जाता है। इधर जो है आपको रेड कलर की जो है टेपिंग देखने को मिलेगी इसके व्हील्स पे। उसके अलावा टायर साइज यदि मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे सबसे पहले C8 के टायर्स आपको मिल जाते हैं, आप देख सकते हो। टायर साइज की बात करूँ टायर साइज जो है आपको मिल जाता है यहाँ पे 100x90 19 इंचेस के जो है टायर्स आपको मिल जाते हैं फ्रंट में। अभी चलते हैं रियर की साइड में। सेंटर में आपको दिखा दूँ यहाँ पे जो आपको 350cc का इंजन मिलेगा। पावर वगैरह जो है आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। 5 स्पीड का जो है आपको गियरबॉक्स मिल जाता है यहाँ पे। एयर कूलिंग सिस्टम मिलेगा, ऑयल कूलिंग या फिर लिक्विड कूलिंग आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला। अभी चलूँगा रियर में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जॉस्ट जो है आपको ब्लैक कलर में देखने को मिलेगा जो कि इसके टॉप मॉडल है, उसमें आपको क्रोम में देखने को मिलता है। अभी रियर में चलूँ तो यहाँ पे फिर से जो है आपको ABS मिल जाता है इसमें, जो है डिस्क आपको मिल जाता है रियर में भी। गाइस रियर का जो टायर साइज है वो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो है आपको 140x70 17 इंचेस के जो टायर्स मिल जाते हैं। ऐसा कुछ जो है रियर का टायर साइज होने वाला है। उसके अलावा जो है आपको यहाँ पे स्प्रिंग सस्पेंशन जो है देखने को मिल जाएंगे। रियर में भी जो है आपको ये टेपिंग वगैरह देखने को मिलेगी इसकी व्हील्स में। उसके अलावा टेल लाइट वगैरह के बारे में बात करूँ यहाँ पे आप देख सकते हो LED में जो है आपको टेल लाइट देखने को मिलेगी। इंडिकेटर्स जो आपको हेलोजन में। उसके अलावा यहाँ पे जो है आपको नंबर प्लेट वगैरह के लिए जो है यहाँ पे प्लेसिंग दी गई है। एंड यहाँ पे जो है आपको नंबर प्लेट वाली लाइटिंग भी दी गई है। अभी आप देख सकते हो ग्रैब रेल्स जो है काफ़ी यूनिक डिज़ाइन में जो है यहाँ पे दी गई है जो कि काफ़ी स्टाइलिश भी लग रही है एंड जो है इजी टू यूज़ भी जो है ये होने वाली है। ड्यूअल सीट आपको बाइक में देखने को मिल जाएगी। जो फ्रंट की सीट है वो काफ़ी कंफर्टेबल है जो कि काफ़ी चौड़ी दी गई है। रियर में भी जो है आपको काफ़ी कंफर्टेबल सीट मिल जाती है। इसके जो टॉप मॉडल उसमें जो है आपको थोड़ी सी यूनिक मतलब प्रीमियम जो है थोड़ी सी आपको प्रीमियमनेस देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे जो है आपको ब्लैक कलर में सिंपल सीट देखने को मिलेगी। अभी आपको दिखा देता हूँ पीछे की साइड में। यहाँ पे आपको साड़ी गार्ड देखने को मिल जाता है जो कि आपको हर एक बाइक में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो है सरकार की तरफ से मैंडेटरी हो चुका है। नीचे जो है आपको फुटरेस्ट भी देखने को मिल जाएगा इस बाइक में। उसके अलावा जो है यहाँ पे आपको फुटरेस्ट देखने को मिल जाता है जिसके ऊपर आपको रॉयल एनफील्ड की जो है आपको बैजिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी, यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो आपको सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। इधर जो है आपको चेन वगैरह इसकी देखने को मिल जाएगी। साइड स्टैंड आपको जो है दोनों मिल जाते हैं यहाँ पे, साइड स्टैंड भी एंड जो है सेंट्रल स्टैंड दोनों आपको मिल जाते हैं, आप देख सकते हो। मीटियोर 350 जो है यहाँ पे आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा जो है आपको साइड पैनल्स वगैरह जो है इस बाइक में ब्लैक कलर में देखने को मिलेंगे। इंजन भी ब्लैक कलर में और बाकी जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सब जो है ब्लैक कलर में। ओनली जो है आपको टैंक यहाँ पे कलर देखने को मिलेगा, आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको रॉयल एनफील्ड की जो है आपको यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। बैजिंग जो है आपको ब्लैक कलर में जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। उसके अलावा जो है आप इंजन देख सकते हो यहाँ पे जो है कुछ नया डिज़ाइन किया अब की बार कुछ। इसमें जो है आपको वाइब्रेशन भी नहीं देखने को मिलेगी। वाइब्रेशन टेस्ट भी हम करेंगे उसमें जो आपको वाइब्रेशन जो है इस बाइक में नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो आप नीचे की साइड देख सकते हो काफ़ी आगे की तरफ जो है दिए गए हैं फुटरेस्ट फ्रंट राइडर के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छी पोजीशन यहाँ पे निकल के आती है। एंड यहाँ पे आपको कंफर्ट अच्छा खासा मिल जाएगा। गियर्स आपको जो है यहाँ पे 5 मिल जाते हैं। उसके अलावा आपको दिखा दूँ फ्रंट में हॉर्न वगैरह, तो यहाँ पे आपको जो है सिंगल हॉर्न इस बाइक में देखने को मिलेगा जो कि आप देख सकते हो नीचे की साइड आपको देखने को मिल जाता है। एंड टैंक साइज जो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे 15 लीटर का जो आपको टैंक मिल जाता है जो कि एक सफिशियंट है। यदि आप लॉन्ग राइड वगैरह पे जा रहे हो तो आपको जो है यहाँ पे बार बार फिल कराने की जरूरत नहीं है। आपको जो माइलेज भी अच्छी खासी दे देगी बाइक। माइलेज जो है अराउंड यहाँ पे आपको 30 से 35 मिल जाएगी। हाईवे पे आपको 40 तक भी दे सकती है। सो वो जो है इसका माइलेज टेस्ट आप देख लेना, वीडियो जो है उसकी भी काफ़ी जल्द आएगी। सो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पे जो है ओवरऑल कुछ ऐसा इसका लुक्स निकल गया। अभी चलते हैं मेन पार्ट पे, इसके हैंडल बार पे। हैंडल बार जो है आपको ब्लैक कलर में देखने को मिलेगा। बटन्स जो है कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, हाई बीम पास एंड जो है लो बीम वगैरह के बटन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो है फ्रंट में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का जो है यहाँ पे बटन देखने को मिल जाता है। नीचे में आपको इंडिकेटर्स वगैरह का जो है बटन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हॉर्न का बटन मिल जाता है एंड यहाँ पे जो है आपको इग्निशन कट ऑफ वगैरह का जो स्विच मिल जाता है। स्टार्ट भी आप इसी से कर पाओगे एंड कट ऑफ भी जो आप इसी से कर पाओगे। इधर की साइड में जो है आपको हैजार्ड का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। हैजार्ड का भी जो है ऑप्शन मिल जाता है आपको यहाँ पे। सो ये भी जो है काफ़ी अच्छा फीचर दिया गया। अभी जो है इसके मीटर कंसोल को ऑन करता हूँ एंड उसके बाद दिखाता हूँ आपको इसके फीचर्स वगैरह।
सो यहाँ पे आप देख सकते हो लाइटिंग जो है काफी अच्छी दी गई, इसमें जो बैकग्राउंड की जो लाइटिंग है वो जो है काफी अच्छी दी गई है। यहाँ पे जो साइड में आप ये देख रहे हो इसकी MID, इसमें जो है आपको टाइमिंग वगैरह देखने को मिलता है। उसके अलावा जो है यहाँ पे आपको टर्न बाई टर्न नेविगेशन भी यहीं पर देखने को मिलेगा। इसमें जो आपको सारी डिटेल देखने को मिलेगी, सबसे पहले आप देख लीजिए इसका मीटर कंसोल। यहाँ पे जो है आपको टाइमिंग वगैरह दिखेगा, गियर इंडिकेटर दिखेगा, यहाँ पे आपको ट्रिप ए बी वगैरह सब कुछ शो करेगा, फ्यूल मीटर इधर की साइड देखने को मिल जाएगा आपको, एंड यहाँ पे जो है आपको माइलेज वगैरह रेंज वगैरह ये सारे फीचर्स भी जो है इस मीटर कंसोल में आपको देखने को मिलेंगे। नीचे की साइड में आप देख सकते हो न्यूट्रल की लाइट आपको देखने को मिल जाएगी, बैटरी लो इंडिकेशन जो है यहाँ पे आपको शो करेगा, मलवेयर डिटेक्शन लाइट भी जो है यहाँ पे देखने को मिल जाती है, ABS की लाइट भी जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सो यहाँ पे ओवरऑल जो है ये भी काफ़ी अच्छा लुक्स दे रहा है, फीचर लोडेड है बिल्कुल, मतलब फीचर्स आपको अच्छे खासे मिलेंगे। यहाँ पे स्पीडोमीटर जो है आपको एनालॉग में देखने को मिलेगा, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, लाइटिंग भी जो काफ़ी अच्छी दी गई है, एंड जब आप अपने ब्लूटूथ से इसको कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे जो है नेविगेशन शो करेगा टर्न बाई टर्न। अभी जो यहाँ पे टाइमिंग शो कर रहा है, तो यहाँ पे जो है टाइमिंग भी आपको काफ़ी अच्छे तरीके से जो यहाँ पे शो करता है, जो कि काफ़ी विजिबल भी होता है। की जो मैं आपको दिखा दूँ, वेव की जो है आपको इस बाइक में देखने को मिलती है, आप देख सकते हो काफ़ी इजी टू यूज़ है, जैसे आप यहाँ पे लगाते हो तो काफ़ी इजी टू यूज़ आएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे रॉयल एनफील्ड का जो लोगो यहाँ पे बनाएगा, हेलमेट वगैरह बिल्ट विद गूगल वगैरह, सो गूगल का जो है यहाँ पे कुछ सर्विसेज इन्होंने दे रखी होगी, सो जो है यहाँ पे दिखा रहा है। सो अभी आपको दिखा देता हूँ इसके हेडलाइट वगैरह और सब कुछ जला के एक बार। सो यहाँ पे सबसे पहले कर लेते हैं हम हैजार्ड को ऑन, ताकि आपको इंडिकेटर्स दिखा पाऊँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिकेटर्स वगैरह जो है काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छी जो ब्राइटनेस भी देंगे आपको, मतलब जो है नाइट में जो है काफ़ी विजिबल होने वाले हैं। अभी DRL आप देख सकते हो, DRL जो है बिल्कुल राउंड है, हेडलाइट के चारों तरफ जो आपको DRL देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छा लुक भी दे रही है। अभी आपको स्टार्ट करके इसकी साउंड भी सुनाऊंगा, एंड जो है आपको लास्ट में इसका एक हेडलाइट का और भी दे दूंगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रंट का इसका लुक। रियर में आप देख सकते हो LED में जो है आपको टेल लाइट मिलती है, सो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से जो है दिखने वाली है इसकी LED टेल लाइट, जो कि काफ़ी विजिबल है। यहाँ पे इसकी भी जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी अच्छी मिलेगी आपको। सो अभी करते हैं इसको स्टार्टर, उसके बाद सुनाता हूँ आपको इसकी साउंड। तो यहाँ पे जो बाइक हमने स्टार्ट कर दी है, तो अभी जो थोड़ा सा रेव करते हैं, उसके बाद सुनाता हूँ आपको साउंड कैसी आती है। साउंड जो आपने सुनी इसके एग्जॉस्ट की, अभी जो है इंजन की साउंड सुन लीजिए आप। तो ज़्यादा जो है यहाँ पे साउंड नहीं कर रहा है इंजन, वाइब्रेशन भी जो आपको नहीं देखने को मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट की है, हल्की बहुत आपको देखने को मिलेगी जो कि आप इग्नोर कर सकते हो इजीली। तो यहाँ पे जो है आपको वाइब्रेशन में काफ़ी अच्छा काम देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो EFI कवर वगैरह वो जो है ब्लैक कलर में आपको देखने को मिलते हैं, मीटियोर 350 की ब्रांडिंग वगैरह। बाकी जो अभी बता दूं आपको इसकी प्राइसिंग के बारे में, इसकी जो प्राइस है वो है 1.75 लाख एक्स शोरूम, ऑन रोड लगभग जाएगी 2 लाख रुपीज़ के आसपास। सो एक बार आप चेक कर लेना अपने नियरेस्ट किसी भी डीलरशिप में, वहाँ पे जो आपको एग्जैक्ट प्राइस पता चल जाएगी आपकी सिटी में। बाकी ये थे एक छोटा सा रिव्यू, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।